बाबर भैया कैसे, फिर हमने रिटायरमेंट वापस ले ली और भैया आ रहे हैं ना पाकिस्तानी टीम में भैया, अब देखना भैया हमारा जलवा और शाइन, भैया तुम करना कप्तानी, तेरी मेरी जोड़ी भैया जलवा दिखाएगी। हाँ अमर भैया, हमने भी रिटायरमेंट वापस ले ली, वैसे भैया हमने खुद से थोड़ी ली, हमको जबरदस्ती वापस लाया गया टीम में, क्योंकि भैया हमारे अंदर फॉर्म है, हम बढ़िया खेलते, अब देखना पाकिस्तान की टीम को कौन जीतने से रोकता, हर मैच में पाकिस्तान की जीत होगी। अबे बस कर ससुरी वालों, आ जाओ वापस भैया, आपको खिलाएगा कौन, अबे ये शाइन से तो कप्तानी हो नहीं रही, अगला कप्तान मैं ही बन रहा हूँ, बाहर बैठ के मुंह उठा के देखना, प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं दूंगा। अबे बस करो बाबर भैया, फिलहाल मैं ही कप्तान रहूंगा, लेकिन भैया आप अपनी आदतों से बाज आ जाओ, बड़ी मुश्किल के बाद यार बड़े बड़े प्लेयर हमको मिले, जीतने का मौका है, तुम भैया फिर उल्टी सीधे पंगे नहीं लेना, वैसे कप्तान मैं ही रहूंगा। अबे बस करो पाकिस्तान वालों, यार हमको दुबई से बुला लिया, यूएई से 4 साल उधर रह चुके थे, 1 साल और रहे थे तो उसकी टीम में खेलना था, नहीं आ जाओ अब भैया आ गए हैं, अब भैया ड्रामेबाजी छोड़ो, बढ़िया खेलना ताकि हमारी भी जगह टीम में बरकरार रहे। उस्मान भैया आप खामखा टेंशन क्यों ले रहे, आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, आपकी जगह पक्की, बाकी ये अमर और वसीम भैया खामखा आए देख लेना, और जलील हो के जाएंगे, फिर ऐसा जाएंगे भैया कोई इनका नाम नहीं लेंगे, इनको शौक पूरा करने दो, वैसे खेलने का मौका पता नहीं मिले ना। अबे बस करो बाबर भैया, खेलने का मौका भी मिलेगा और खेल में ऐसा जलवा दिखाएंगे आपका, पत्ता गोल करके जाएंगे। अबे भूतनी के हमारे बिना तूने क्या घंटा उखाड़ा, हर टूर्नामेंट में जलील हुआ, अब देखना एक बार हमको मौका मिले कैसे ठोकते। हाँ वसीम भैया मौका मिल गया और सबकी ऐसी ठुकाई करेंगे, और बाबर का तो पत्ता गोल हुआ, और शाइन के बाद भैया तुम कप्तान बन जाना, मेरे को तो बनाएंगे, मैं नहीं बनूंगा, आप इनके पक्के कप्तान 5-10 साल भैया सब टूर्नामेंट जीतेंगे देखते जाओ। अबे बस कर अमर भैया, तेरा भी पत्ता गुल हो जाएगा, शौक पूरा कर ले, बाकी वसीम से बड़ी हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और करेंगे भी। वसीम भैया तेरे से कुछ नहीं होगा, पीएसएल में 2 मैचों में क्या चल गया, अब देखना भैया पाकिस्तानी टीम को हम ही लीड करेंगे हमारे सबक। छोड़ो चाचा हमसे बढ़िया कौन खेलेगा, हम और आप ही रहेंगे, बाकी तो सब लल्लू पंजू हैं, बाबर भैया इतने तेज गेंदबाज हो रहे हैं, किसको मौका देंगे, ये पुरानों के चक्कर में यार नए नौजवान गेंदबाजों का क्या होगा, इनको चांस मिलना चाहिए था, ये यार किसको अब देंगे। सेम भैया आपकी टीम में जगह पक्की है, ऊपर से ऑलराउंडर बन गए, बाकी इनको कौन पूछेगा, खामखा भैया इनको चुल मची थी, शौक पूरा कर लेने दो, इनको कोई खिलाएगा नहीं, अगर चांस मिल गया एक आधे मैच में तो इसी तरह लुल होंगे, फिर भैया मुंह छुपाते फिरेंगे। हाँ सेम भैया, बाबर भैया सही कह रहा है, ऑलराउंडर की जगह तुम संभालना, और भैया ये पुराने पुराने तेज गेंदबाज क्या करेंगे, जब मैच होंगे हम भैया सबको पिछाड़ देंगे, ये मुंह लटका के चले जाएंगे, बाबर वाली बात सही है, पता नहीं इनको चांस मिलेगा या नहीं। अबे यार बस करो, हम तो अभी नए हैं, अरफान खान नियाजी नाम है, देखना भैया हमारा जलवा एक तो सीट पर भैया हम पक्का कब्जा करेंगे, देख लेना बल्लेबाजी में जलवा हो सके, गेंदबाजी में भी बढ़िया करने लग जाए, गेंदबाजी पे भी शुरू हो जाए। अबे यार क्यों फोकट में चिल्ला रहे हो, अबे भूतनी वालों उसको जगह मिलेगी जो बढ़िया खेलेगा, 29 प्लेयरों में सबका नाम आया, ट्रेनिंग में बढ़िया करो, जो भैया अच्छा खेलेगा उसको जगह मिलेगी, अब देखते हैं कौन बढ़िया खेलता, बाकी अब बस करो। हाँ रजवान मियां यही तो हम कह रहे हैं, हम जलवा दिखाएंगे, एक बार आए फोकट में थोड़ी आए, हमें भैया अपने बाजुओं पे अभी भी यकीन है, और हमारे बाजू ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, पक्की जगह तो हमारी रहेगी, बाकी सारे कीड़े मकोड़े साइड पे हो जाएंगे। हाँ अमर भैया इन भूतनी वालों को फिर साइड पे होना ही पड़ेगा, नहीं होंगे तो भैया हमारे पांव तले फिसल जाएंगे, खामखा जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए भूतनी वालों कुछ बढ़िया कर पाओ ठीक है, नहीं तो कहाँ बढ़िया कर पाओगे, इसलिए भैया किनारा कर जाना। अबे बस करो वसीम और अमर भैया, एक बार कप्तानी की डोर मेरे हाथ में आने दो, फिर बताऊंगा भूतनी वालों, ऐसा नाच दिखाऊंगा, तुम देखते जाओ, एक बार फिर बाबर का ही राज चलने वाला है, बस मौके का इंतजार है। अबे बस कर बाबर भैया, पहले आपने बहुत सत्यानाश कर लिया टीम का, अपने यारों को खिला के, अब भैया हम पागल थोड़ी है जो आपको मौका देंगे, देख लेना अभी तो कप्तानी हमारे पास, ऐसा जलवा दिखाएंगे आपकी कप्तानी, क्या टीम से ही आउट हो जाओगे। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।